दिल्ली सीमा पर गाजीपुर वो जगह है जहां किसान आंदोलन का हेडक्वार्टर है। सुबह से नेशनल हाईवे बंद है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि काम धंधे के लिए आखिर जाएं तो कैसे जाएं। दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली आना जाना मुश्किल होता जा रहा है। जितेंद्र बहादुर की जरा ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है यहां पर किसानों ने पूरे इस रास्ते को बंद किया हुआ है। यहां से एक तरीके से आवाजाही इससे पहले होती थी, लेकिन आज जो है यहां पर किसानों ने भारत बंद का जो आह्वान किया है उसके बाद इस पूरे रास्ते को बंद किया गया है और जो बगल से रास्ता है उस रास्ते को पुलिस ने भी बैरिकेडिंग करके वहां पर रोका हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है वैसे में पुलिस ने एहतियातन उन रास्तों को भी बंद किया है जिससे कि ये किसान आगे की तरफ न बढ़ पाए। इस तरीके की व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि तीनों जो कृषि कानून हैं उनको सरकार की तरफ से वापस लिया जाना चाहिए और इसलिए किसानों की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। जो ये रास्ता है ये मुख्य तौर पर मेरठ से और दिल्ली को जोड़ता है। मेरठ का जो हाईवे है इस हाईवे को पूरी तरीके से बंद किया गया है और यहाँ पर आवाजाही इस वक्त नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ का जो रास्ता है सारे किसान इस वक्त सड़क पर ही मौजूद हैं और जो लोग यहाँ पर आने जाने के लिए आते हैं उनको भी रोका जा रहा है। स्थिति स्पष्ट है कि किसान यही मांग कर रहे हैं कि जब तक उनकी बातों को नहीं माना जाएगा वो इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और पिछले 10 महीने से लगातार अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आज जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया है कि आंदोलन की राह किसानों की तरफ से छोड़ा जाना चाहिए और वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ऐसे में क्या किसान भी आगे बढ़ेंगे ये देखना होगा। लेकिन आज की जो स्थिति है यहाँ पर सड़कों पर किसान हैं और वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। लाल किला वो जगह है जहां पिछली बार किसान आंदोलन से भरपूर हंगामा मचा। आज सुबह से इस इलाके को पुलिस ने छावनी में बदल दिया है। अरविंद ओझा की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला इलाके में मौजूद हैं। अगर लाल किले की बात करें तो यहाँ पर बेहद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो लाल किले की तरफ जो आती है सड़क वो सड़क बंद कर दी गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो कैमरामैन दीपक बिष्ट हैं हम उनको कहेंगे कि जरा आपको दिखाएं कि देखिए यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई, यानी यहाँ दूसरी तरफ से जो गाड़ियां आती हैं वो गाड़ियां यहाँ पर आकर रुक जाती हैं। कमोबेश यही हाल है। दिल्ली गेट की तरफ से अगर देखेंगे तो यहाँ की जो ये सड़क है इस सड़क को भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दूं कि 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी को जब किसानों ने आंदोलन किया था तब जमकर लाल किले में हिंसा हुई थी। उसके बाद से एहतियात के तौर पर जब भी किसान बंद का ऐलान करते हैं लाल किले की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। ये जो सड़क है ये सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये सड़क लाल किले की तरफ आती है, दूसरी तरफ की सड़क को बंद कर दिया गया, यानी लाल किले की तरफ जो सड़क आती है उन सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। लाल किले की बात करें तो यहां पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। सिंघू बॉर्डर पर आज किसान की मौत से हंगामा मच गया। पुलिस के मुताबिक दिल के दौरे से किसान ने दम तोड़ा। देखिए सिंघू सीमा से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था जिसको कहीं ना कहीं हमने देखा कि अलग अलग जगह से अलग अलग रिस्पांस मिला है। यहाँ सिंघू पे 14 पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे किसानों ने बंद कर दिया था ताकि हरियाणा और दिल्ली से आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उन्हें दिक्कत हो, लेकिन जो एम्बुलेंसेज और स्पेशल सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज थे उनको वो जाने के लिए अनुमति दे रहे थे। हालाँकि ये बंद 6 बजे से लेके 1 बजे तक ही था। अभी जैसा कि हम देख सकते हैं कि गाड़ियों का आना जाने में कोई दिक्कत नहीं और फ्री मूवमेंट को उन्होंने छोड़ दिया है और ये सिंघू बॉर्डर पे हम कह सकते हैं कि लगभग 6 से 1 बजे तक ही सिर्फ प्रोटेस्ट था। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ श्रेया चटर्जी आज तक। उधर पटना में आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल भारत बंद में सड़कों पर थे। रोड पर निकली गाड़ियों को जबरन रोका गया, रास्ते बंद किए गए और ये शहर देखता रहा कि किसानों के नाम पर नेता और पार्टियां अपनी सियासत में शोर घोल रहे हैं। हाय 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 हा
आप देख सकते हैं कि महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पे जो सड़कों को जाम कर दिया गया है। हालांकि तेजस्वी और तेज प्रताप जैसे बड़े नेता इस बंद को सफल बनाने के लिए नहीं उतरे हैं, मगर जो पार्टी के अन्य नेता हैं जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में यहाँ आप देख सकते हैं आरजेडी के नेता गांव बंगला चौराहे पर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो लेफ्ट पार्टियां भी हैं वो भी इसमें शामिल हैं और वो भी अपने तरीके से यहाँ पर समर्थन अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानूनों के मुद्दे पर। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय जी, आप लोग यहाँ बंद कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो 3 नए कृषि कानून काला कानून लाया गया है इसके खिलाफ देश के अन्नदाता किसान सड़कों पर है 10 महीने से ज्यादा हो गए। इसके बाद भी केंद्र की सरकार हठधर्मिता नहीं छोड़ रही है। जब देश का अन्नदाता भूखा है सड़कों पर तो पता इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र की सरकार किस तरह संवेदनहीन है। यहाँ पर आरजेडी जो है वो बता रही है कि कृषि कानूनों के विरोध में यहाँ पर उन प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि आरजेडी ने कई जगहों पर बिहार में जो है वो हिंसक प्रदर्शन किया है, बस के शीशे भी तोड़ दिए हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव तेज प्रताप वो इस बंद में शामिल होने के लिए सड़कों पर नहीं हालांकि उतरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश यहाँ महागठबंधन की तरफ से की जा रही है कि किसानों के मुद्दे पर जो है इस बंद को सफल बनाया जा सके। कैमरा पर्सन नदीम आलम।